नमाज पढ़ते हैं ना, खुद अपनी नमाज अपने घर में, अपने ऑफिस में, वहीं पे पढ़ लेते हैं, जमात से नमाज पढ़ने नहीं जाते। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, सलातुल जमाती तफ़दुलु सलातुल फज़्ज़ी बि 27 दर्जा, के अकेले पढ़ी हुई नमाज और जमात से पढ़ी हुई नमाज में फ़र्क 27 दर्जों का है, 27 times, 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। क्या आपने सोचा है, क़यामत के दिन जब हमारे आमाल तौले जाएंगे, एक तरफ सारी नेकियां होगी, दूसरी तरफ सारे गुनाह होंगे, और जब ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब होने वाला है, तब एक इंसान जिसको नेकियां कम पड़ गई, गुनाह ज़्यादा हो गए, क्या उसके दिल में नहीं आएगा, काश मैं जमात से नमाज पढ़ा होता, 27 times मल्टीप्लाई होकर मुझे नेकियां मिली होती। 27 times किसको कहते हैं ये, आप खुद बताओ। अगर दुनियावी कोई मामला होता, जैसे एक मिसाल लीजिए कि अगर आपको पता चले आपको मोबाइल ख़रीदना है, आपके घर के नीचे एक दुकान है जो मोबाइल बेच रही है, लेकिन एक मोबाइल ख़रीदेंगे एक मिल जाएगा, आपको खबर मिली कि मार्केट में एक ऐसी दुकान खुली है जहां पर एक मोबाइल ख़रीदो तो 26 मोबाइल फ्री में मिलते हैं, एक ख़रीदो 26 फ्री, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र होते हैं ना कुछ दुकानों में, तो वो दुकान ने ऑफ़र रखा है बाय वन गेट 26 फ्री। तो ये बताइए कि अपने घर के नीचे से ख़रीदेंगे कि थोड़ा वो मार्केट तक जाकर वहाँ से ख़रीदेंगे, क्या करेंगे बताइए आप। ऑब्वियसली कोई भी इंसान बोलेगा मैं मार्केट ही जाऊँ, 26 मोबाइल फ्री में मिल रहे हैं, 27 times हो रहा है मेरा मामला, तो घर के नीचे से मैं क्यों लूँगा, बेवकूफ़ हूँ क्या। तो फिर नमाज के मामले में ऐसा क्यों करते हैं कि नमाज के अंदर कुछ कदम जाना है, मेहनत है इसमें, लेकिन इसका अज्र भी तो है, इसका बदला भी तो है। और मर्दों के लिए जमात से नमाज पढ़ना लाजिम है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, मुस्नद अहमद में भी है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन समियन निदा, जो अजान सुनता है फलम युजिब, उसका जवाब नहीं देता, एक रिवायत में आता है फलम याती ही, अजान सुनकर नमाज पढ़ने आता नहीं है, फला सलात लहू व इन सल्ला, उसकी नमाज नहीं होगी चाहे पढ़ ले तो भी, यानी कि पढ़ेगा तो उसको उसका जो सवाब मिल रहा था वो सवाब से महरूम हो रहा है, भले ही उसका फ़र्ज अदा हो गया लेकिन सवाब से महरूम हो रहा है। तो जमात से नमाज पढ़ने से क्या हो रहा है, उसको इतना सारा अज्र मिल रहा है और एक फ़र्ज उसका वाजिब अदा हो रहा है। और हर कदम, कुछ लोग बोलते हैं मस्जिद बहुत दूर है हमारे यहाँ से, हर कदम जो हम उठा कर जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ़ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है। फ्री में नहीं चल रहे हो, अगर चल के जाएंगे तो उसका बदला भी तो अल्लाह ताला देने वाला है। और सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लक़द हममतु, मैंने ये इरादा किया कि अपनी जगह किसी और को नमाज़ पढ़ाने कहूँ और शोला लेकर जाऊँ और वो लोगों के घरों को जला दूँ जो अब तक नमाज़ पढ़ने नहीं आए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया नहीं, क्यों नहीं किया, जाहिर सी बात है घर में औरतें भी होती हैं, घर में कोई हो सकता है बीमार आदमी है जो उज़्र की वजह से नहीं जा सका, लेकिन मिसाल बयान करके बता दिया। और जब रहमतुल आलमीन की ज़ुबान से इतनी सख्त मिसाल मिल रही है ना, तो हम सब समझ सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक बात हो रही है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, ये जो लोगों में मिजाज बना हुआ है ना कि अपने अपने नमाज़ पढ़ लेते हैं, मस्जिद तक जाना लाजिम है, ज़रूरी है, और हम सबको वो कदम बढ़ाने चाहिए, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने चाहिए। और जमात से नमाज़ पढ़ने से क्या होगा, हमें 27 times अज्र ज़्यादा मिलता है।